दोस्तों मीटू अभियान के तहत कई महिलाओं ने अपने साथ में हुए यौन शोषण की कहानी दुनिया के सामने बयान की है। तनुश्री दत्ता के बाद में देश की कई महिलाएं आगे आई और अपनी आपबीती सुनाई, जिसके चलते कई आरोपियों को जेल की हवा खानी पड़ी। दंगल गर्ल फातिमा सना शेख ने बीते दिनों खुलासा किया कि उनका भी यौन शोषण हुआ है, हालांकि इस मुद्दे पर वो बात करने से बचती रही। इंटरव्यू के दौरान फातिमा सना शेख से महिलाओं के साथ में बढ़ते यौन शोषण को लेकर राय मांगी गई थी। इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि वो इस मुद्दे पर ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती। फातिमा ने खुलासा किया कि उनका भी यौन शोषण हो चुका है, लेकिन इस किस्से को वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती। हाल ही में बातचीत के दौरान फातिमा सना शेख का दर्द फिर से उभर कर आया। उन्होंने कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव था। मुझे लगता है कि लोगों ने गलत समझ लिया कि मीटू अभियान सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए ही था। ऐसा नहीं कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही ऐसी चीज होती है, यह हर जॉब में होती है। जो मेरे साथ हुआ है वो बहुत पहले हुआ, ऐसा नहीं कि दंगल का टाइम हुआ या उसके बाद में हुआ। ऐसा तब हुआ जब मैं बहुत ही छोटी थी। मुझे लगता है कि लोग मानते हैं कि ये घटना अभी हुई और उनको आश्चर्य होता है कि मैं इस बारे में बात क्यों नहीं कर रही। हमारे देश में हर महिला ने इससे निपटा है और मुझे यकीन है कि हर कोई इसके बारे में सार्वजनिक रूप से बात नहीं करना चाहता। फातिमा की पहली फिल्म दंगल एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, लेकिन उनकी दूसरी फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही। इन दिनों वो दो बड़ी फिल्में कर रही है। वो राजकुमार राव के साथ एक ड्रामा फिल्म और सैफ अली खान के साथ हॉरर कॉमेडी फिल्म में काम कर रही है।